नमस्कार, मैं हूं बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट, इसकी चर्चा आप भी बीते कई दिनों से सुन रहे होंगे, क्योंकि जब से इस रिजल्ट की घोषणा हुई है तब से छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वहीं बीते दो दिनों से छात्रों का सब्र का बांध मानो खत्म ही हो गया है, जिसके बाद से ही रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर छात्र लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि छात्र शांत होते दिखाई तो नहीं दे रहे, यही कारण है कि बीते दो दिनों से पटना, आरा, नवादा और सीतामढ़ी में जो हुआ, इसके अलावा मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, आरा, बिहार शरीफ, छपरा, भभुआ, बक्सर, जहानाबाद, फतुहा, हाजीपुर, मधुबनी में भी अभ्यर्थियों ने खूब बवाल काटा, जिसके कारण ही अभ्यर्थियों ने रेल सेवा को ही रोक दिया और खूब उग्र प्रदर्शन किया, जिसके बाद ही कई रेलवे भी प्रभावित हुई, कई ट्रेनों का परिचालन भी स्थगित करना पड़ा और कई ट्रेनों को तो बदले रूट से चलाना पड़ा, जिसके बाद ही अब रेलवे ने उग्रवादी छात्रों के खिलाफ चेतावनी जारी कर दी है, जिसके तहत रेलवे ने रेल चक्का जाम करने वाले छात्रों और रेल की पटरी पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को चेतावनी दे दी है। रेलवे ने विज्ञप्ति जारी कर साफ कहा है कि जांच के दौरान तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन में संलिप्त पाया गया तो वैसे छात्रों पर रेलवे की परीक्षा में बैठने से आजीवन रोक लगा दी गयेगी तो वैसे छात्रों पर रेलवे की परीक्षा में बैठने से आजीवन रोक रहेगी। इसकी जानकारी आरआरबी के अध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। अब सवाल यह है कि जिस मुद्दे को लेकर छात्रों ने रेलगाड़ियों को भी रोक दिया, आखिर वो है क्या? तो हम आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी भर्ती कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 परीक्षा के रिजल्ट 14 और 15 जनवरी 2022 को जारी किए गए थे। परीक्षा में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवार पंजीकृत है। इस परिणाम के आधार पर सीबीटी 2 यानी कि दूसरे चरण की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाना है। उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि आरआरबी एनटीपीसी परिणाम में धांधली हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार सीबीटी 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में है स्क्रीनिंग परीक्षा है, इसके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। इसके अलावा आरआरबी ने जोन वाइज कुल पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित किया जाना था, लेकिन आरआरबी द्वारा विभिन्न स्लॉट में पदों की संख्या को आधार मानकर अलग अलग हर स्लॉट के लिए उनके पदों का 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित किया गया है। मेरिट लिस्ट में आने वाले उम्मीदवार सभी स्लॉट की स्क्रीनिंग लिस्ट में चयनित हो गए। इसके कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का सीबीटी 2 के लिए प्राथमिक चयन एक से अधिक स्लॉट में ओवरलैप हो रहा है। इससे परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या 20 गुना के बजाय महज 5-6 गुना रह गई है। इसको लेकर ही उम्मीदवारों में नाराजगी है। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक स्तरों पर योग्य घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया है कि स्नातक और 10+2 स्तर के पदों के लिए पात्र होने का अनुचित लाभ ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को मिल रहा है, जिस पर ही रेलवे ने स्पष्ट किया है कि समय और एनर्जी बचाने के लिए ग्रेजुएट और 10+2 स्तर के पदों के लिए भर्तियों का मिलाया गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से इसी पैटर्न में जारी रिजल्ट के अनुसार एक पद के लिए 10 प्रत्याशी अब तक संघर्ष कर रहे होते थे, लेकिन अब 10 पदों के लिए एक प्रत्याशी संघर्ष करेगा। वहीं रेलवे भर्ती बोर्ड की माने तो ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था कि दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए 7 लाख अलग अलग उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आरआरबी की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि दूसरे चरण में 5 अलग अलग स्तरों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। इसमें एक उम्मीदवार को उसकी पात्रता, योग्यता और विकल्प के अनुसार एक से अधिक स्तरों के लिए चयनित किया जा सकता है। इसीलिए 7 लाख रोल नंबर की सूची में कुछ नाम एक से अधिक सूची में दिखाई देंगे। अंतिम चयन के दौरान उम्मीदवार को एक पद पर नौकरी मिलेगी। हालांकि अब छात्रों की तरफ से शुरू हुआ विरोध अब रेलवे की चेतावनी के बाद इस पूरे मामले पर कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अनुसार इस पूरे मामले में सही कौन है। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।